यहाँ पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। रंका, रमकंडा, भंडरिया प्रखंड में किसी प्रकार का काम नहीं मिलने के कारण शिक्षित बेरोजगार युवक अपने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, रायपुर, बेंगलोर पलायन करने के लिए यहां के युवक विवश हैं। इस संबंध में पलायन कर रहे युवक ने बतलाया कि रंका प्रखंड में किसी प्रकार का काम नहीं मिल रहा है। एक तो इस वर्ष धान मक्का की फसल बुरी तरह बर्बाद हो गया है, यहां पर किसी प्रकार का काम नहीं है, जिसके कारण हम लोग अपने प्रखंड एवं गांव छोड़कर दूसरे राज्य का सहारा ले रहे हैं। पूछा गया कि आप लोगों को नरेगा में काम तो मिलता है, तो जवाब मिला कि हम लोगों को जॉब कार्ड नहीं बना है, इसलिए हम लोगों को काम नहीं मिलता है। क्या है, कुछ है ये नहीं, धान मरिए गया, मकई मरिए गया। सुनते हैं कि नरेगा से जॉब कार्ड है, उससे मिलता है, लोग को काम मिलता है। नरेगा से मिलता है वही 168 रुपया। आप लोग को मिलता है? मिलता तो है। मिलता है तो मिलता है, तब कहे जा रहे हैं? मेरा जॉब कार्ड नहीं है। जॉब कार्ड आपको नहीं, आपको नहीं ना मिलता है? नहीं, मेरा नहीं मिलता है। एक यहीं रुकिए, कमाने जा रहे हैं? कहाँ कमाने जा रहे हैं? बेंगलोर। अच्छा, तो आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ रहे थे लेकिन छोड़ दिए। छोड़ दिए तो यहाँ आपको काम धाम नहीं है? यहाँ रंका में क्या जा रहे हो तंदूर? आता नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बताओ। हम लोग बंगलोर जा रहे हैं। अच्छा, कारण क्या है? कारण क्या है? कारण है यहाँ पे कुछ काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसके वजह से कितना दिन हम लोग गरीब आदमी है। इस बरस धान भी मर गया है, इसके वजह से हम लोग बंगलोर जा रहे हैं। मकई भी मर गया? आप लोग का मकई वहाँ मर गया, मकई धान सब मर गया भाई। मरा गया तो बाहर जाने कमाने, बाहर कमाने जा रहे हैं, क्या करेगा गरीब का। हम लोग यहाँ का स्थानीय प्रशासन कुछ नहीं किया तो कहाँ कर रहा है, करता तो हम लोग का काम धंधा मिलता तो उतना तनख्वाह के लिए जाते।